काफ़ी अच्छा लग रहा है आईपीएल में इस बार से। अभी मैं जाऊंगा इंडियन प्रीमियर लीग में, और थैंक यू बोलना चाहूंगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, राकेश कुमार तिवारी सर को, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया मुझे मेरे जर्नी में। काफ़ी बड़ा उनका योगदान है, तो सबको मैं थैंक यू बोलूँगा। राहुल द्रविड़ के अंदर में आप कैंप करेंगे, कैसा लगेगा जब इतना बड़ा खिलाड़ी आपका कोच होगा राजस्थान रॉयल के कैंप में? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ का है कि राहुल सर के अंडर में अब खेलने को मौका मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा उनके अंडर एक्सपीरियंस है, और मुझे आईपीएल में जाने से ज़्यादा खुशी इसी बात का है कि राहुल द्रविड़ सर के अंडर में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। एसोसिएशन को क्या कहेंगे? एसोसिएशन आपको बैक कर रहा है हर वक्त, देखते हैं पिछले साल भी रणजी में, इस बार भी एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। जी, मतलब हर बार एसोसिएशन मुझे बैक कर रहा है, काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं सब चीज़ों में, काफ़ी मौका मिल रहा है मुझे, चांसेस दे रहे हैं। तो BCA का काफ़ी बड़ा योगदान है, राकेश सर का काफ़ी बड़ा योगदान है मेरे जर्नी में, तो थैंक यू सबको। अंडर 19 और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो अब इंटरनेशनल प्लेयर आपके डगआउट में रहेंगे, नजर रहेगी कि जल्द से जल्द ब्लू जर्सी आपके बॉडी पर भी आए। जी, अब उसी तरीके से अब मेहनत करना है, अब क्योंकि अब सीनियर इंडिया खेलने को ही देखना है, तो उसी तरीके से अब मेहनत भी करना है। टारगेट क्या रखे हैं आप इस बार आईपीएल में? परफॉर्मेंस अच्छा टारगेट रहे? कुछ नहीं है, बस अच्छा खेलना है, मेहनत करना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए बस। काफ़ी अच्छा लग रहा है आईपीएल में इस बार से। अभी मैं जाऊंगा इंडियन प्रीमियर लीग में, और थैंक यू बोलना चाहूँगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, राकेश कुमार तिवारी सर को, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया मुझे मेरे जर्नी में। काफ़ी बड़ा उनका योगदान है, तो सबको मैं थैंक यू बोलूँगा। राहुल द्रविड़ के अंदर में आप कैंप करेंगे, कैसा लगेगा जब इतना बड़ा खिलाड़ी आपका कोच होगा राजस्थान रॉयल के कैंप में? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ का है कि राहुल सर के अंडर में अब खेलने को मौका मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा उनके अंडर एक्सपीरियंस है, और मुझे आईपीएल में जाने से ज़्यादा खुशी इसी बात का है कि राहुल द्रविड़ सर के अंडर में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। एसोसिएशन को क्या कहेंगे? एसोसिएशन आपको बैक कर रहा है हर वक्त, देखते हैं पिछले साल भी रणजी में, इस बार भी एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। जी, मतलब हर बार एसोसिएशन मुझे बैक कर रहा है, काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं सब चीज़ों में, काफ़ी मौका मिल रहा है मुझे, चांसेस दे रहे हैं। तो BCA का काफ़ी बड़ा योगदान है, राकेश सर का काफ़ी बड़ा योगदान है मेरे जर्नी में, तो थैंक यू सबको। अंडर 19 और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो अब इंटरनेशनल प्लेयर आपके डगआउट में रहेंगे, नजर रहेगी कि जल्द से जल्द ब्लू जर्सी आपके बॉडी पर भी आए। जी, अब उसी तरीके से अब मेहनत करना है, अब क्योंकि अब सीनियर इंडिया खेलने को ही देखना है, तो उसी तरीके से अब मेहनत भी करना है। टारगेट क्या रखे हैं आप इस बार आईपीएल में? परफॉर्मेंस अच्छा टारगेट रहे? कुछ नहीं है, बस अच्छा खेलना है, मेहनत करना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के लिए बस।